हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के उमराहा क्षेत्र में और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये है सर्ववेद महामंदिर, जिसका उद्घाटन 18 दिसंबर वाले दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके किए थे और इसकी वीडियो अपलोड है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर के अंदर का नज़ारा और इस मंदिर को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी भीड़ है। तो आइए चलते हैं, हम भी आपको मंदिर के अंदर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं और बाहर से भी हम आपको दिखाएँगे। तो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं, हम अभी मौजूद हैं वाराणसी के सर्ववेद महामंदिर के ठीक सामने और आज का ये आप नज़ारा देख सकते हैं। और इस मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया ही था, 18 दिसंबर वाले दिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और इस मंदिर का उद्घाटन किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सर्ववेद महामंदिर धाम, जिसके बनने में पूरे 20 साल का समय लगा हुआ है और ये 7 मंजिला इमारत है, लेकिन ऊपर से जो ये फ्लावर है वो कट चुका है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नज़दीक खड़ी हूँ इस वजह से। अभी हम आपको नीचे जाके पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये है आज का ये नज़ारा, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है इस मंदिर के उद्घाटन के बाद। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग घूमने के लिए आए हैं। ये देख सकते हैं, ये है पूरा नज़ारा आज का, मानो कोई मेला सा ही लगा हुआ है। तो आइए अभी हम आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर हम आपको दिखाते हैं कि अंदर का जो दृश्य है वो कैसा है। तो जो मंदिर का जो नक्काशी है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त नक्काशी की गई है और इसी नक्काशी के वजह से यहाँ पे इतने सालों का यहाँ पे समय लगता है। और ये आप देख रहे होंगे अभी भी काम चल रहा है, यहाँ पे अंदर का काम हो चुका है लेकिन जो बाहर की जो चीज़ें हैं यहाँ पे काम चल ही रहा है। और वैसे तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बनके ही तैयार हुआ है और बाकी जो फ्लोर वगैरह हैं उनके लिए भी काम चालू है। तो ये देख सकते हैं, ये है मंदिर के अंदर का ये नज़ारा और ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल को कटिंग करके यहाँ पे बहुत ही अच्छी तस्वीर यहाँ पे उकेरी गई है। यहाँ पे दो हंसों का ये पे जोड़ा बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे ये लिफ्ट भी लगा हुआ है ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए। और ये है अंदर की तस्वीरें। और सामने से आप देख पाएंगे सद्गुरु सदाफल जी महाराज यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। पहले इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं थी लेकिन फिर बाद में यहाँ पे काम लगा और आप देख सकते हैं इस मंदिर को और भी सुंदर बना दिया गया है और यहाँ पे मूर्ति भी बना दी गई है। तो सामने से आप ये जो पिलर है उसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी नक्काशी यहाँ पे की गई है और जो भी नक्काशी की गई है यहीं पे की गई है, कोई बाहर से चीज़ें नहीं आई हैं। जो भी मार्बल्स वगैरह जो भी पत्थर है वो सिर्फ बाहर से मंगाई गई हैं लेकिन जो भी नक्काशी काम है वो यहीं पे हुआ है यहाँ के कारीगरों के द्वारा। तो सामने से आप ये देख पाएंगे कि जो सर्ववेद पुस्तक है
उसे ही पूरे दीवारों पे उकेरा गया है। और ये जो उकेरने का काम है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे ही हुआ है, और जो भी ऊपर के जितने भी फ्लोर हैं वहाँ पे काम बाकी है, और वही काम बाकी है। और जब सारी चीज़ें यहाँ पे उकेर दी जाएंगी सर्वेद पुस्तक की, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम द्वितीय अध्याय, और इस तरफ है तृतीय अध्याय, और सामने से ये आप झरोखा भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। और ये देख सकते हैं ये जो काम है बहुत ही बारीकी ढंग से पूरे दीवारों पे पिलर पे काम किया गया है। और जो भी सर्ववेद के जो भी अध्याय हैं ये आप देख सकते हैं दीवारों पे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे उकेरा गया है कि कोई भी पढ़ सकता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा आपको। आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अभी हम आपको आगे की तरफ लेके और आगे की चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लकड़ी के ऊपर नक्काशी का काम किया गया है, और ये प्यारा सा झूमर भी देख सकते हैं। और ये है कुछ अंदर का ये पूरा नज़ारा। अगर आप ज़मीन पे देखेंगे तो ज़मीनों पे भी यहाँ पे नक्काशी की गई है, ये देख सकते हैं, ये पूरा मार्बल लगा हुआ है मंदिर में। तो आइए चलते हैं, अभी हम आपको बाहर की तरफ लेके। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ दीवारों पे भी बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पे उकेरी गई हैं, और ये सारी चीज़ें पत्थर से ही बनाई गई हैं और यहीं पे बनाई गई हैं यहाँ के कलाकारों के द्वारा। और ये है मंदिर के बाहर का कुछ ये नज़ारा। और यहाँ से ये लुक देख सकते हैं, काफ़ी ये सुंदर ये लुक आ रहा है। ये देख पाएंगे ये एक पेड़ यहाँ पे बनाया गया है, ये केले का पेड़ है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है कुछ बाहर की तस्वीरें, और ये शाम का ये समय है। और ये मंदिर इतनी ऊंचाई पे बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि सेकंड या थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं, लेकिन ये अभी पहला ही फ्लोर है। तो दोस्तों ये आप झरोखा देख सकते हैं, और इस झरोखे के अंदर से ये डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं बाहर, और बाहर से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं पूरे मंदिर का नज़ारा। Thank you.
तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर और ये बाहर से मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है। और ये आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं जहाँ पे फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी लगातार काम चालू ही है। ऊपर की तरफ पत्थर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये आप देख पाएंगे यहाँ पे एक एक कोने पे नक्काशी की गई है, कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा गया है जहाँ पे डिज़ाइन को नहीं उकेरा गया है। और यहाँ पे आप पत्थरों की मूर्तियाँ भी देख सकते हैं और ये है पूरा पिलर का डिज़ाइन। और इसी वजह से इस मंदिर को बनाने में इतने सालों का ये समय लग गया और अभी भी काम जारी ही है। लेकिन ये जो मंदिर बना है, ज़बरदस्त मंदिर ये बना है, तो आप सभी को कभी भी मौका मिले बनारस में आने का तो इस मंदिर में भी आप ज़रूर आइएगा एक बार। तो आइए हम आपको और भी आगे लेके चलते हैं और अभी हम आपको मंदिर के पूरे सर्कल में घुमा के हम आपको मंदिर को दिखा रहे हैं कि आप घर बैठे ही इस मंदिर को आप पूरा देख सकें कि ये मंदिर बना कैसा है। तो ये देखिए, यह है कुछ ऊपर का ये नज़ारा। और इस मंदिर में लिफ्ट भी लगा हुआ है ताकि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सके। और ये 7 मंजिला है ये इमारत, आपको तो पता ही होगा। तो दोस्तों अभी हमने आपको अंदर से फर्स्ट फ्लोर का पूरा नज़ारा दिखाया और ये है पूरे बाहर का नज़ारा। और आप देख सकते हैं ये 7 मंजिले में इस मंदिर को बनाया गया है, लेकिन अभी हम 2nd, 3rd फ्लोर और 7वें मंजिल तक नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे अभी काम जारी है। ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर काम लगा हुआ है। तो ये है कुछ तस्वीरें आज की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी काम यहाँ पर चालू ही है, यहाँ पर मज़दूर वगैरह लगे हुए हैं, इधर टाइल्स से रिलेटेड काम हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी पत्थर लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटी सी चैन लगी है और ये पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। और अंदर की तरफ अभी यहाँ से दिख रहा है कि अंदर पत्थर लगाने का भी काम बाकी है दीवारों पे, और 3rd फ्लोर पे भी, 4th फ्लोर पे भी बहुत काम बाकी है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल्स की कटिंग वगैरह हो रही है ताकि यहाँ पे नीचे बिछाया जा सके। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी बिछा नहीं है। और यहाँ पे मंदिरों के किनारे किनारे जो यहाँ पे बाउंड्री की गई है, ये भी काफ़ी अच्छी बाउंड्री की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी डिज़ाइन बनाया गया है पत्थरों को कटिंग करके। और ये है कुछ नीचे की तस्वीरें, ये देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ध्वज भी लगा हुआ है। और अगर यहाँ से आप खड़े होकर सेल्फ़ी लेते हैं तो काफ़ी अच्छी सेल्फ़ी आएगी।
तो दोस्तों अभी मैंने आपको मंदिर के अंदर का भी नज़ारा और बाहर का भी नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया, और अभी हम चल रहे हैं मंदिर के ठीक सामने। तो ये है कुछ तस्वीरें मंदिर की, तो आप देखते ही चलिए। और इस मंदिर को बनाने में बहुत मेहनत किया गया है, वो आपको देखने से ही लग रहा होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटी बड़ी हाथियाँ सब बनाई गई हैं, और जो कि पत्थरों की कटिंग करके ही यहाँ पे बनाई गई हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन देख के। और ये है कुछ नीचे की तस्वीरें, ये देख सकते हैं अभी भी डेकोरेशन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 18 दिसंबर वाले दिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। तो उद्घाटन के बाद की मैं आपको स्थिति दिखा रही हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं मंदिर के ठीक सामने, और ये शाम का समय है, तो देख सकते हैं काफ़ी ये सुंदर ये लुक आ रहा है। और यहाँ पे लोगों की भीड़ तो देखिए, ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पे है। और ये है कुछ आसपास का ये पूरा ये नज़ारा। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। चला आती है भोजन।